Hello, good morning students, how are you? Today we are going to learn good manners in book number 1, UKG class, book number 1, good manners. Achha hamara aadat hai. We must follow good manners at home. Ghar pe bhi hum good manners follow karna hai. Greet people. जब हमारे घर पे जो जो लोग रहते हैं सुबह उठ के हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं और समय के हिसाब से हम विश करते हैं और रात में सोने से पहले हम गुड नाइट बोलते हैं. हाँ, ये सारे हमारा मैनर्स है. सारे लोगों को हम ग्रीट करना है, ग्रीट पीपल. नेक्स्ट है बी काइंड. दूसरों के ऊपर हमारा दया होना चाहिए. हैं, दूसरों के ऊपर हम दया करना चाहिए, जानवर को भी और लोगों को भी और बीमार लोगों को. ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर हमारा दया होना चाहिए. और शेयर, अपने पास जो कुछ है वो हम शेयर करना है. शेयर करेगा तो हमारा खुशी होता है. लेकिन आजकल इतना शेयरिंग करने का कंडीशन नहीं है अपना. आजकल तो क्या कोरोना चलता है, सब अपना अपना सेफ्टी रखना है. ज़्यादा शेयरिंग अच्छा नहीं और कहीं भी जाना भी नहीं चाहिए इतना है. अपना अपना घर पर रहना ज़रूरी के लिए, बस कहीं भी जाना ऐसे. और लिसन, हम अपना पेरेंट्स का कहना मानना है. लिसन करते हैं क्या आजकल? अभी कितना महीने का छुट्टी हो गया अपना? 5-6 महीने का हो गया. पापा मम्मी को परेशान करते हैं क्या? सब नहीं करना, पापा मम्मी को भी हेल्प करना, कहना मानना, तब वो भी खुशी में रहेगा. लिसन, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पेरेंट्स को कहना मानना है, पेरेंट्स का और टीचर्स का और अपना अपने से बड़े लोगों को हम आदर करना है और उनका कहना मानना है. हमको कुछ बोलेगा तो हम ऐसे किसे करना है, ये है लिसन. एंड हेल्प अदर्स, दूसरों को हम हेल्प भी कर सकते हैं. छोटे बच्चे हैं तो फिर भी हम हमसे जितना काम आ जाते हैं उतना हम कर सकते हैं. ऐसे करना है, क्या क्या करना है गुड मैनर्स में? ग्रेट पीपल, बी काइंड, शेयर, लिसन, हेल्प अदर्स. ये वर्ड्स अपना कॉपी में लिखना है और स्पेलिंग भी याद करना है. ओके, GREET, ग्रीट, PEOPLE, पीपल, बी काइंड, BEBKIND, काइंड, काइंड मीन्स दया. SHARE, शेयर, शेयर मीन्स हमारे पास जो कुछ है हम बांटेंगे दूसरों के लिए, ये है शेयर. और लिसन, लिसन मीन्स दूसरों का कहना हम मानना है. विशेष पापा मम्मी का कहना जरूर मानना है और अपना घर पे दादा दादी और ऐसे बड़े लोग हैं तो उसका भी कहना बच्चे मानना है. तब बच्चा अच्छा बच्चा बनेगा, अपना अच्छा भविष्य बनेगा. और हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प भी करना है. हम हेल्प करने से हमारा भी खुशी होता है और जिसको हम हेल्प करते हैं उसका भी खुशी होता है. मम्मी कुछ काम करते हैं तो मम्मी का हेल्प करना, और दादा दादी है तो उसके लिए भी कुछ सेवा करना चाहिए. ये छोटा छोटा काम बच्चे भी कर सकते हैं. ये सारे अपना घर पे खुशी का बात हो जाता है, इसलिए हम ऐसे करना है. ओके, नेक्स्ट है हेल्थी फूड एंड जंक फूड. हेल्थी फूड के बारे में हम सीखना है. हेल्थी फूड मीन्स अपना शरीर को अच्छा बनाने का फूड है हेल्थी फूड. क्या क्या फूड हमारा शरीर के लिए अच्छा होता है? फ्रूट्स,
सब पसंद करते हैं फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स हम खाना है, ठीक है। हाँ, स्कूल में भी बताते हैं फ्रूट खाना है, हम फ्रूट्स डे बना मनाते भी है। हाँ, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत विटामिन होता है, हमारा शरीर में बीमारी को रोकने के लिए कौन काम करते हैं, हाँ, विटामिन एंड मिनरल्स ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलते हैं। इसलिए हम फ्रूट्स को खाना है और वेजिटेबल्स को भी खाना है, और मिल्क पीना है। मिल्क में भी बहुत ताकत होता है, सुबह और शाम 2 गिलास दूध पीना है ज़रूरी। सब दूध पीते क्या? हाँ, पीना चाहिए, मम्मी देते हैं सुबह और रात में दूध, ये पीना ही चाहिए, ओके। और चीज़ भी दूध से बनते हैं, वो भी खा सकते हैं। और नेक्स्ट है एग्स, एग में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन्स होता है, इसलिए जिसको पसंद है वो खाना, जिसको पसंद नहीं है नहीं खाना बस। और योगर्ट भी दूध से बनते हैं, ये सारे चीज़ें अपना बॉडी के लिए अच्छा है, हमारा ताकत बढ़ाते हैं, इसलिए इसको क्या फूड बोलते हैं, हेल्थी फूड, HELTHY, हेल्थी, FOOD, फूड, हेल्थी फूड। जो खाना हम खाने से हमारा ताकत बढ़ते हैं वो ये हेल्थी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम कैसे भी तो खाना है, सारे सब्जी और सारे फल ये सब हम खाना चाहिए, ओके। मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ऐसे चॉइस मत करना, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाना है, ओके। और जंक फूड मीन्स वो खाने से अपना तबीयत ठीक नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। वो क्या क्या फूड है देखेंगे, फिर ऐसा फूड को अवॉइड करने के लिए कोशिश करना, ओके। फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे, हैं, लेकिन ज़्यादा मत खाना। ये पोटैटो ऑयल में फ्राई करके ले लेते हैं, वो है फ्रेंच फ्राइज, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, रोज नहीं खाना, ये अपना तबीयत ख़राब करते हैं। और बर्गर भी आप लोगों को बहुत पसंद है, हाँ, लेकिन हमेशा बर्गर के लिए जिद नहीं करना, ओके। कभी कभी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा बर्गर चाहिए, रोज बर्गर चाहिए, इसे मत भूलना। और चॉकलेट भी इतना अच्छा नहीं, मीठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हमारा दांत सारे खराब हो जाएगा ज़्यादा चॉकलेट खाने से। और कुकीज़ मीन्स बिस्किट भी बहुत ज़्यादा हमेशा नहीं खाना, कभी कभी खा लो, इससे अपना हेल्थ अच्छा हो जाता है। समझ में आया क्या क्या है? इसी में हम फूड के बारे में, हेल्थी फूड के बारे में सीखा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क, चीज़, एग्स एंड योगर्ट, ये सारे हमारा हेल्थ को सही रखते हैं और बीमारी से लड़ने के लिए हमारा बॉडी को ताकत दे देते हैं। जंक फूड जो हमारा बॉडी को ख़राब करते हैं, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, चॉकलेट, कुकीज़, ध्यान रखना ये कौन सा फूड है वो याद रखना, ठीक है। रीड द लेसन एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स, ओके, थैंक यू।